तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। और गाइस, आज हम जा रहे हैं घूमने घूमने क्या मूवी देखने जा रहे हैं। सारी फैमिली साथ में है। गाइस, हम देखेंगे रात के 9 बजे का शो। और क्योंकि आज है 30 तारीख, सॉरी, और दीदी का बर्थडे है 1 तारीख का, तो हमने सोचा मूवी देखेंगे रात को 9 बजे से, और उसके बाद 12 बजे हम दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, हमारे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो इसलिए सोच रहे हैं कि हम हैं और फ्रेंड भी हैं साथ में, जीजू के हमारे, तो हमारे भी है, जीजू के भी हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज अपना रूटीन, अपनी फैमिली का, हम किस तरह से बाहर जाएंगे, सारा कैप्चर करूँगी मैं, आपको दिखाऊंगी हम किस तरह से जाएंगे, क्या करेंगे, कोशिश करूँगी। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, मैं या तो भूल जाती हूँ, सारा मोमेंट निकल जाता है और मेरा कैमरा ऑन नहीं होता, फिर याद आता है शूट यार मुझे तो कैमरा ऑन करना था, और मेरे ही मोमेंट वहीं, बस पूछो मत दिमाग क्या खराब होता है कि यार मैं शिट में, क्योंकि शायद मुझे भी आदत नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं कैप्चर कर पाती। बट अब कोशिश करूँगी, मैं इसे पूरा कैप्चर करूँगी और आपको दिखाऊँगी मूवी का। और दीदी का बर्थडे था, मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ, मेरे साथ आप भी जुड़ो मेरी ज़िंदगी की रूटीन में, मेरी ज़िंदगी में, मैं चाहती हूँ ये चीज़ें। वैसे मुझे ना सपोर्ट नहीं मिल रहा, बट जितना मिल रहा ठीक है, हो सकता है मेरी ब्लॉग्स में कुछ कमी हो, ये भी हो सकता है। तो अभी हमें तैयार होना है, और अभी बज रहे 4, मैं चाय वगैरह पी चुकी, नहा चुकी हूँ, सिर भी धो लिया है मैंने, हमें 7:30 बजे निकलना है, तैयार होना है। तो इसलिए वैसे मैं भी तैयार नहीं, बट मैं सोचूँ 5 बजे से तैयार होंगी, क्योंकि तैयार होकर बैठ जाते हैं फिर टेंशन नहीं होती है। अभी सोचना है कि मुझे कपड़े क्या पहनने हैं, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है यार, जब कहीं जाना होता है ना, मैं ये सोचना होता है यार आज क्या पहने, अलमारी खोल के खड़े हो जाते, कुछ दिखता नहीं। और हाँ गाइस, मुझे इससे याद आया कपड़ों से, मेरे पास मैसेज आया था कि दिया अपने सूटों की एक बार वीडियो बनाओ, या फिर क्या बोलते हैं ना, मैं तो आपसे नहीं पूछ सकती गाइस इससे क्या बोलते हैं, हाँ मतलब सूटों के ऊपर कोई वीडियो बनाओ। तो गाइस, मैं इनके ऊपर, सूटों के ऊपर कभी अपनी वीडियो बनाऊंगी, जो मेरी जो भी बहन है, जो भी है बहन ही है, मैं इनके लिए कोशिश करूंगी। तो गाइस मिलते हैं, मैं तैयार वगैरह हो जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ, और आप मुझे देख सकते हो, अच्छी लग रही हो ना, कमेंट्स में बता रहे हो कैसे लग रही हो। और मैं भूल गई हूँ कुछ यार, मैं भूल गई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भूल जाती हूँ, जो भी छोड़ो, जब याद आएगी जब मैं बोलूँगी। हम सब तैयार हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट सब हैं तैयार, बट ये नहीं है क्योंकि ये कहीं बाहर गए, और मैंने फ़ोन भी किया था, कह रहा बस मुझे थोड़ी देर और लगेगी, और जैसे वो आ जाते हैं, वैसे भी अभी 7:30 बजे का हमें जाना है, तो देख लेते हैं इनके आने के बाद। इधर मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ। यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। अरे मम्मा भी 12 बजे बज गया बेटा, बज गया, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब जितने साल के होंगे उतने साल बता, अब बर्थडे पार्टी कराएंगे। ये आज अच्छा क्वेश्चन पूछा नहीं तूने, आज जो रियलिटी बता दो, अपने घोसे तो मारे इनने, भैया घोसे बजाने बर्थडे बम तो अच्छे से मारा मेरे पीछे से, अलाइनमेंट आउट कर दो पीछे से। मारो मारो गुड, मारो गुड, 1 2 3 4 भैया अच्छे से विश करो यार, चिल्ला के फोन का तो अपनी नंबर बता दे ना, पहले अपनी उम्र बता, हैप्पी बर्थडे मम्मा, आई एम जस्ट 16 ईयर ओल्ड, 16 साल की हूँ यार, छठी तो ना पूछे भी, अभी तो मैं जन्म लिया, छठी पूछ रही हो तेरी, जन्म लिया अभी तो, मम्मी दर्द होके हटे मैं, लंबा जाम है ये लगा, मुर्तल लगाई अब फोन आ रहा है, फोन तो हेलो दी मेरी तू तो बड़ा मुंह है, मोड़ मत, रुक जा मोड़ मत, आई रात के 12 बजे रहे ना, 40 मिनट ढाबे का उस रास्ते पर, दिल्ली की तरफ चलेंगे जब हम, मेरे हिसाब से कोई ढाबा नहीं है
आगे गाइस बज रहे हैं 12:30 आई थिंक 12:15 को सही टाइम हो रहा होगा, मैंने अभी देखा नहीं है। हाँ 12:30 हो रहे हैं और हम आए हैं मुरथल सोनीपत मन्नत ढाबे पे। मुझे ये ढाबा बहुत ज़्यादा पसंद है और दीदी का बड़े बनाने सॉरी मैं इसमें आधी मैं शूट नहीं कर पाई थी घर से निकलने के बाद का, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और लेट के चक्कर में शूट नहीं कर पाई। गाड़ी भी शूट किया लेकिन वो अच्छा नहीं आ रहा था। हेलो हाय बाय थोड़ी देर में शूट करते हैं ना। फिर दोबारा चालू करना था रजन हाथ देखे इस वाले यार में जो गाना चल रहा है ना इसकी वजह से हटाना पड़ जा। ये बहुत रील्स बना रही है मेरी मैम ने स्कूल वाली मैम टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे रील बनाती है हमारी सारी मैम बनाती है तो मैंने देखी रखी है। तो हल्का सा भी गिरा ना हो जाएगा।